गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज थ्री, ये बोर्ड मास से रिलेटेड एक्सरसाइज थ्री ऐप एक्सरसाइज था। ये एक्सरसाइज थ्री आपका बोर्ड मास वाला बताए हुए थे और इसमें कुछ प्रॉब्लम था, तो वो प्रॉब्लम क्वेश्चन छह नंबर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। आपसे आप लोग से अगर नहीं बना हो, अगर बना लिए होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा तो फिर देख लीजिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में आप लोगों को बताए थे स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट भी दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट भी, स्मॉल ब्रैकेट भी दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट भी दिया हुआ है और बिग ब्रैकेट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको करना कौन सा है, तो स्मॉल ब्रैकेट को करना है। उस टाइम भी बताए हुए थे जो सारा क्वेश्चन का जो भी पार्ट होगा स्मॉल ब्रैकेट का काम तो करेंगे, लेकिन और जो भी है इससे रिलेटेड टर्म उसको वैसे का वैसे लिख लेंगे, ठीक है। 96 प्लस 30 माइनस, और ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 11 प्लस 5, तो 11 और 5 को ऐड करते हैं तो 16 होता है। ये फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का काम हो गया, तो स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करके उसको लिखना नहीं है। अब बचा आगे का, तो ये 96 प्लस, अब ये कर्ली ब्रैकेट का करेंगे, 96 प्लस इसके अंदर में माइनस का काम है तो माइनस करना है, 30 माइनस 16 40। अब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर का काम हो गया तो कर्ली ब्रैकेट को भी रिमूव कर देंगे। अब बचा बिग ब्रैकेट, 72 इंटू ये 96 प्लस 14, इस दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो भी होगा लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो जीरो वाला मल्टीप्लाई है तो 17 और 11 को कर लेते हैं और जो जीरो होगा वो लिख देंगे। तो ये आप लोग का आंसर, तो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे एक्सरसाइज थ्री ऐप, उससे रिलेटेड एक वर्कशीट है तो वर्कशीट वाला भी सॉल्व कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट यूनिट है आप लोग का मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में बता। तो नेक्स्ट यूनिट है आप लोग का फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, तो फैक्टर क्या होता है, तो आप लोग डिवीजर जानते होंगे ना, डिवीजर, तो फैक्टर्स का एक अदर नाम डिवीजर भी है। तो कोई भी डिजिट है जैसे 30, 30 डिवाइडेड 6 लिखा हुआ है, तो ये डिवाइडेड 6 लिखा हुआ है, 6 से डिवाइड करना है 30 में, तो 30 का एक और डिवीजर से हम अगर डिवाइड करते तो ये कितना आ रहा है 5। तो ये 6 जो है ना, कोई भी डिजिट जिससे जिसका वो डिवीजन डिवीजन करने के बाद नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा तो उसका डिवीजर होता है। तो ये डिवीजर है, तो 6 डिवीजर है, इट मींस डिवीजर भी है और ये इसी को फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आया आपका क्या आया, इसको अगर आप इसको डिवाइड करें 6 को 30 से तो 5 बार में आया, मीन्स 5 क्वेशेंट ये हुआ ना, तो ये 5 को क्वेशेंट बोलते हैं और ये मल्टीपल भी इसको बोलेंगे। तो 30 डिवाइडेड 6 इक्वल टू 5, तो 6 ये नंबर है 30, 30 का 6 क्या हो गया, फैक्टर हो गया, तो इसका मल्टीपल क्या हुआ, 5 हुआ। तो आप लोग इस टर्म से फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है वो समझ में आया होगा। तो कोई भी, अब कोई भी नंबर है जैसे 20 ही है, तो 20 से छोटा, लेस देन 20 से, जो भी डिजिट से 20 से कटे, 20 से पूरा पूरा कट जाएगा तो वो होता है इसका फैक्टर होता है। जैसे अब 1 से 1 किसी भी डिजिट का, किसी भी होल नंबर का 1 फैक्टर होता है, ठीक है। तो 1 के लिए तो कोई सोचना ही नहीं है। फिर 2 10 या 20 होता है तो उससे भी पूरा पूरा कट जा रहा है तो 2 भी इसका फैक्टर हुआ। 3 से नहीं आ रहा है,
फोर से, फोर फाइव से 20 होता है ना, तो फोर, फिर फाइव से, फिर सिक्स से नहीं कटेगा, सेवन से नहीं कटेगा, एट से भी नहीं होगा नाइन, फिर टेन, टू जो 20 होता है, इलेवन से नहीं होगा, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, नाइनटीन, बस 20। तो ये नंबर वन से स्टार्ट करना है, किसी भी नंबर का फैक्टर अगर हमको करना है तो वन से स्टार्ट करना है, और वो जहां तक है वो नंबर मीन्स 20 से लेस देन तक, वो नंबर जिस नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर अगर नहीं आएगा तो वो उसका फैक्टर्स होता है। तो ये आप लोग 20 का फैक्टर्स समझ गया होंगे कैसे करना है, और ऐसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग एलसीएम कर रहे थे तो उस टाइम भी आपको फैक्टर के बारे में पता होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते थे, जैसे 30 का कैसे निकालते थे, 215 टाइम में आता है, फिर 35 जब, तो ये भी 30 का फैक्टर है, बट क्या है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था ना, तो ये ओनली प्राइम नंबर है, तो 235 ओनली प्राइम नंबर है, लेकिन फैक्टर का जहां तक बात है तो इसमें फैक्टर में प्राइम नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, मींस जिससे भी डिविजिबल हो और वो पूरा पूरा कट जाए तो वो सारा फैक्टर होता है। फैक्टर एंड मल्टीपल आप लोग समझ गए होंगे, फैक्टर और मल्टीपल समझने के बाद अब कुछ टाइप ऑफ नंबर दिया हुआ, वेरियस टाइप ऑफ नंबर, तो वेरियस टाइप ऑफ नंबर आप लोग जैसे इवन नंबर वो भी बहुत पहले से टू क्लास से जानते होंगे इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, दैट नंबर डिविजिबल बाय टू। अब जो कोई भी नंबर है अगर पूरा पूरा वो टू से कट जाता है तो वो इवन नंबर होता है। और ये भी समझ लीजिए कोई भी नंबर है उसका अगर वंस प्लेस में जीरो रहे, टू रहे, फोर रहे, सिक्स और एट रहे तो वो नंबर इवन नंबर होता है। जैसे देखिए 36, तो 0, 2, 4, 6, 8 ये 6 है, मींस ये इवन नंबर है। वंस प्लेस में अगर नंबर का फर्स्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 से लास्ट हो रहा है देन वो इवन नंबर होता है। फिर ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो होता है ऑड नंबर, तो इवन नंबर ऑड नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा। ऑड नंबर क्या, ऑड नंबर जो 2 से नॉट डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिविजिबल नहीं होता है। अब ऑड नंबर के बाद प्राइम नंबर का बात करते हैं, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहे थे तो ये प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर कोई भी ऐसा नंबर जिसका ओनली टू फैक्टर हो, कितना, टू फैक्टर हो तो वो प्राइम नंबर होता है। और टू फैक्टर में कौन कौन सा, एक वन, ओनली टू फैक्टर, और टू फैक्टर में कौन कौन सा, एक वन और वो नंबर इटसेल्फ, जो भी नंबर रहेगा वही नंबर, मीन्स सेम जो नंबर है वही से, एक वन तो वन, वन के लिए क्या बताए थे, वन तो सारे नंबर का फैक्टर होता है और नंबर इटसेल्फ, जैसे अगर फाइव लेते हैं तो फाइव तो वन से तो कटेगा ही, वन इसका फैक्टर होगा ही और वो बस सेम नंबर मीन्स इटसेल्फ वो फाइव से ही कटेगा, बाद बाकी किसी भी डिजिट से नहीं कटना है। प्राइम नंबर का एग्जाम्पल 17 ले लेते हैं, 17 किसी से डिविजिबल नहीं, 1 से है और 17 से, तो ऐसा नंबर जो भी आएगा वो प्राइम नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर के बाद आया आप लोग का कंपोजिट नंबर, अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, ओनली टू फैक्टर मीन्स प्राइम नंबर मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, अब दो फैक्टर से ज्यादा रहता है तो वो हो जाता है कंपोजिट नंबर। फर्स्ट कंपोजिट प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर टू से स्टार्ट होता है, टू, थ्री, फाइव, सेवन, और फिर कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, तो कंपोजिट नंबर फोर से स्टार्ट होता है, ठीक है, कंपोजिट नंबर फोर से। तो क्या होता है कंपोजिट नंबर में मोर देन टू फैक्टर, अब फोर का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, वन, वन तो सारे नंबर का होता है, फिर टू से कटता है फोर, और फिर नंबर इटसेल्फ, तो मोर देन टू फैक्टर हुआ। अब जो भी नंबर का मोर देन टू फैक्टर होगा देन वो कंपोजिट नंबर हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है,
तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। और फिर कंपोजिट नंबर, अब उसके बाद आप लोग के एक्सरसाइज, आप लोग के बुक में दिया हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें ओनली प्राइम नंबर होना चाहिए, तो वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन एक नंबर का करके दिखाते हैं आप लोग को। जैसे 30 का क्या क्या आने वाला है इसका फैक्टर, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। और इसमें जो जो प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, तो जो जो प्राइम नंबर होगा वो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो वही नंबर आएगा। देख लीजिए 30 का क्या क्या आएगा, 2 × 3 × 5, तो जो प्राइम नंबर आया हो, कोई भी नंबर का जितना सारा मल्टीपल, जितना सारा फैक्टर होगा उसमें से जो प्राइम नंबर होगा, ओनली वो प्राइम नंबर से जो फैक्टर होगा वही होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मेथड क्या है, तो एलसीएम का ये छोटा सा ये लाइन देना है, और सबसे पहले तो 2 से करते, अगर 2 से नहीं लगेगा तो फिर 3 से, फिर 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 4 से तो करना नहीं है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में याद रखना है जो ओनली प्राइम नंबर से वो डिविजिबल होगा। प्राइम नंबर क्या सब होता है, तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 7 के बाद 9 नहीं होता है, 9 कंपोजिट नंबर में आ जाता है, 10 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, तो यही सब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो ओनली प्राइम नंबर से देखना है हमको, 2 से 15 टाइम्स में, फिर 3 से आएगा 5 टाइम्स में, तो ये नंबर आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन 30 का 2, 3, 5 होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर एक फैक्टर थ्री ट्री मेथड, जो फैक्टर का ट्री कैसे बनेगा, तो एक नंबर है 36, इसका ये फैक्टर ट्री करके दिखा रहे क्या होता है फैक्टर ट्री। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग समझ गए होंगे, अब ये फैक्टर ट्री, तो ये एक 36 नंबर है, इसका 2 कर लेना है, 2 डिजिट किस किस से आने वाला है बताइए, 6 × 36 होता है, ये 6 और ये 6, अब ये 6 का करना है तो क्या आएगा, 2, 3, इसका क्या आएगा, 2, 3, तो यही हो गया इसका फैक्टर 3। और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप लोग समझ गए होंगे 36 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2, 18, 2, 9 जा 3, 3 जा, क्या आया, डबल टाइम्स 2 और डबल टाइम्स 3, इधर भी आया है 2 एक बार, 2 बार, फिर इधर इधर, तो सेम आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से करें या फैक्टर थ्री मेथड से करें सेम आना है। अब एक्सरसाइज 4 में, 4A में राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो ये सारे नंबर का फैक्टर्स देना है, मींस फैक्टर्स देना है, तो 1 से लेके वो नंबर 44 का अगर करना है तो 1 से स्टार्ट करना और 44 तक में जो भी नंबर से डिविजिबल होगा वो सारा नंबर लिखना है, तो वो फैक्टर्स होता है। और फिर अब प्राइम नंबर में क्या करना है, प्राइम नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करना रहेगा तो ओनली प्राइम नंबर का यूज करेंगे जो कि अभी दिखा है, तो अगर 44 ही है तो 44 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो क्या क्या आएगा, 2, 2, 11 आएगा, लेकिन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो भी डिजिट है उसको अलग करके दूसरा भी आएगा, 44 का अगर करते हैं तो 44 का 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, और उसके बाद 4 भी आ जाएगा, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 नहीं आया तो 4 भी आएगा, 11 भी आएगा, फिर 44 भी आएगा, फिर और भी आ सकता है ना, 22 भी आएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर दोनों में डिफरेंस होता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली प्राइम नंबर आएगा, लेकिन फैक्टर में प्राइम नंबर से ज्यादा भी आ सकता है। तो आप लोग ये चैप्टर एक्सरसाइज 4A कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को समझ लेंगे फिर से पढ़ के, और उसके बाद फिर डिविजिबिलिटी का रूल है वो नेक्स्ट वीडियो में
बताएंगे डिविजिबिलिटी के रूल के लिए। तो फिर एक्सरसाइज 4 आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, और इससे पहले भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं आप, ठीक है।